सर सेट कितने होने चाहिए, रैप कितने करें, वेट कितना होना चाहिए, हर सेट के बाद वेट बनाना जरूरी है, माइंड कम्युनिकेशन और इंटेंसिटी किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स कैसे अप्लाई करें, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में फर्क क्या है, बॉडी बनानी है तो वेट लिफ्टिंग के स्टाइल से बाहर निकलें, आपके ट्रेनर को बताना चाहिए कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आपके मसल्स पे जोर नहीं आ रहा तो फिर क्या करें। आज इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। तो जी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रैप कितने होने चाहिए, सेट कितने होने चाहिए, हर सेट के बाद जो है वेट कितना होना चाहिए। सबसे पहले चीज जो है कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप जिम आए हैं, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है तो उसको इंजॉय करना है, उस एक्सरसाइज को, उस हिस्से को जो है आप इंजॉय करें, ठीक है। मजदूरों की तरह या वे लिफ्टरों की तरह काम नहीं करें। पांच तांबी उत्थे सुटते, इट्टा उत्थे सुटनिया ने, सिरमट उत्थे बनाना है। वे लिफ्टरां दा तरीका होंदा है वजन चुकना है, ठीक है। हर सैट बाद रैप वेट वधाना है, रैप वधाने ने, इनक्रीज करने, इन तरीकों से बाहर निकलो। ये वे लिफ्टर के तरीके हैं, बॉडी बिल्डिंग का ये तरीका नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग का प्रिंसिपल है पहला कि आपने जो मसल टारगेट किया है कि किस मसल के हिस्से को जो है आपने लगाना है, उस पर फोकस करना है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वेट लाइट होना चाहिए। तीसरी चीज, इधर उधर नहीं देखें। चौथी चीज, जो आपकी अफेयर है ना, आपके डर है दिमाग के अंदर कि यार साथ वाला क्या सोच रहा होगा, मैं वेट कितना कम लगा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं अपनी मिसाल देता जाऊं, मेरे बाइसेप, ट्राइसेप और मेरी लेग पूरे जिस्म से बड़ी है। मुझसे कभी भी बाइसेप ट्राइसेप में जो है 15 किलो वाला जो है डंबर नहीं लगा। स्क्वाट पे कभी भी 20-20 से ऊपर नहीं गया मैं। आपने अपने मसल बिल्ड करने हैं, मजदूरी वाला स्टाइल नहीं करना या वे लिफ्टिंग वाला स्टाइल नहीं आपने अपनाना। अगर हाँ वे लिफ्टिंग करनी है फिर ठीक है, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, बिल्ड करनी है अपनी बॉडी को, तो वो ये तरीका नहीं है। वो ये तरीका है सिंपल सादा कि जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको इंजॉय करो। इंजॉय करेंगे, माइंड कम्युनिकेशन होगा आपका, ध्यान आपका आपकी ट्रेनिंग के अंदर होगा, आप सही लगा रहे हो, सामने देख रहे हो, ठीक है। दिमाग ये नहीं कि बाहर देख रहे हैं और बाहर इधर उधर देख रहे हैं या लड़कियां ताड़ रहे हैं जिम में या दूसरों को जलाने के लिए। मैं अगर वो 10 लगा रहा, आपने 20 डाल लिया जबरदस्ती दूसरे को प्रूव करने के लिए कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं भाई। अगर ये आप तरीके करते रहेंगे ना, तो फिर 2-2 घंटे आप मजदूरी वाले स्टाइल से ना अपने आप को थकाते रहेंगे। इससे ना तो आपका जो है वो ट्रेनिंग का टाइम कम होगा, आप एनर्जी जो है सेव नहीं कर पाओगे, अपना टाइम जाया करोगे। जब एनर्जी सेव नहीं होगी, आपकी बॉडी थकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है उस हिसाब से जो है आप जो फूड इनटेक नहीं कर पाओगे। रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर रेस्ट जो है आपको नहीं मिल पाएगा, रेस्ट नहीं मिलेगा, फिर दूसरे दिन आप जो है 8-9 घंटे के बाद फिर दोबारा जिम आ जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा या ये पहली दफा लफ्ज सुने हैं, तो सिंपल सी सादा सा समझाता हूँ। कोई भी चीज कर रहे हो, बाइसेप लगा रहे हो, शोल्डर लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप चेस्ट बेंच प्रेस कर रहे हो, मशीन कर रहे हो, तो कोशिश करो जब जो है स्लोली नीचे लेके आओ और स्लोली ऊपर लेके जाओ। इसमें लाइट वेट का इस्तेमाल करो, फिर देखना आपके मसल्स के अंदर जो है इंटेंसिटी, जो लोग बोलते हैं ना इंटेंसिटी क्रिएट होना, शिद्दत मसल के अंदर दर्द होना, वो होगा। आपके इससे सेट भी कम होंगे, रैप भी कम होंगे। और वो जो होता है ना कि हाँ जी आफ साहब आपने सेट और रैप तो बताए नहीं मुझे, ऑनलाइन में बड़ा टेंशन होती है ना, फोन करके पूछते हैं आफ साहब सेट किन्ने लाने ने, रैप किन्ने होने चाहिए, वेट किन्ना बदना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग के प्रिंसिपल के खिलाफ है ये तीनों चीजें। ये वे लिफ्टरों का स्टाइल है, बॉडी बिल्डिंग का नहीं है। अच्छा, अगर आपके मसल्स के अंदर इंटेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही, देखा होगा आपने जिन लोगों ने पर्सनल ट्रेनर हायर किए हैं या उनके सीनियर उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो उन हिस्सों पे, उन मसल्स पे हाथ रख देते हैं तो उन पे जोर आना शुरू हो जाता है, वो आपका माइंड कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका माइंड कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा ना, तो वहां पे आपने सिर्फ क्या करना है, वन मोर सेट, वन मोर रैप। फिलिप ने जैसे स्टेज पे बोला था जब उसने 7वां अपना ओलंपिया टाइटल जीता था, कि कोशिश करनी है कि ये मेरा आखिरी सेट है, ये मेरा आखिरी रैप है, ठीक है, इसके बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जानी है।
तो ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन जो है ना उससे आप बाहर निकल जाएंगे आराम सुकून से। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बॉडी बिल्डिंग को है इंजॉय करें, ठीक है, वेट लिफ्टर ना बने। यहाँ पे स्पेशली मैं कुछ ट्रेनरों के हवाले से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर आप जितने पैसे ले रहे हैं उनसे, ठीक है, उनको जो है माइंड कम्युनिकेशन कराना, बताएं कि इधर उधर नहीं, या मैंने घर जाना है या मैंने स्टडी करनी है। जिम तब जाएं कि जब आप रिलैक्स हैं टोटली, ठीक है। अगर आपको कोई कोई परेशानी है, ठीक है, तो फिर उस दिन आप सिर्फ कार्डियो कर ले, उस दिन आप मसल ट्रेनिंग की तरफ ना आए, क्योंकि आपका माइंड कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगी, इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होगी, आप टाइम जाया करेंगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपने तो अपना वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है फिर ठीक है। जिन बच्चों ने अपना मसल मास बिल्ड करना है उनके लिए स्पेशली कि जिस दिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, स्विमिंग कर लें, ठीक है, क्रिकेट कर खेल लें, वीडियो गेम्स खेल लें, कार्डियो कर लें, वॉक कर लें, स्टेयर कर लें, साइकिलिंग कर लें, उस दिन बॉडी बिल्डिंग की तरफ ना आए। और दूसरा, ट्रेनरों को बताना चाहिए कि ये इस मसल की ट्रेनिंग है, ठीक है, ये इन इन हिस्सों की है, इसको जितना अच्छे से कर पाओगे, जितना इसको ज़्यादा चोट पहुँचा पाओगे, इसके अंदर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट कर पाओगे और उसके बाद रेस्ट करोगे। ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो मजदूरी वाला काम है, बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान है। आपने कभी नोट नहीं किया जो लोग प्रोफेशनल ट्रेनर के पास या कोई ट्रेनर हायर करता है तो उसकी बॉडी जो है जल्दी बिल्ड हो जाती है, ठीक है, उसमें रिजल्ट जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो इसी वजह से होता है। तो लोग कुछ समझ रहे होते हैं कि इंजेक्शन ले रहा है, कोई मेडिसिन खा रहा है, इस तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कोशिश खुद भी करें, ठीक है, अगर आप ट्रेनर हायर नहीं कर सकते तो ज़रूर वीडियो देखें, हर बंदे की देखें और अपने आप को एजुकेट करें, इंफॉर्मेशन ना लें। इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, जब तक आप उस पर अमल पैरा नहीं ना होंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी बॉडी पे, तब तक जो है आपको इस पर। मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं बड़ा अकेला सा, हर बंदे नु सेट दस के, रैप दस दस के। आज की वीडियो में माइंड कम्युनिकेशन भी आपको पता चल गई है, इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स, ठीक है, उसके बाद जो है वे लिफ्टिंग वाले स्टाइल से निकलना है, मजदूरी वाले स्टाइल से बाहर निकलना है। जिस दिन आपको स्ट्रेस है, ठीक है, कोई टेंशन है बहुत ज़्यादा, उस दिन आप कार्डियो कर लें, स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वीडियो गेम्स खेल लें, स्नूकर खेल सकते हैं आप, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिसके अंदर जो है आपकी थोड़ी सी कैलोरीज बर्न हो जाए। अगर आपने स्पेशल मसल बिल्ड करने जा रहे हैं जिम के अंदर और आपको एंजाइटी, डिप्रेशन सारा कुछ साथ लेके जा रहे हैं, तो उस दिन जो है आपका जो है वो टाइम खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कोई और कोई एक्टिविटी कर लें जिससे आपकी जो है कैलोरीज जो है बर्न हो जाए और आपके आप पे एक्स्ट्रा फैट ना आए। और इसके अलावा अगर आपके मसल्स में इंटेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही, किसी सीनियर की हेल्प ले लें, उसको जिस मसल पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग उस हिस्से की लगा रहे हैं, वहाँ पे बोले कोई हाथ रख दे, ठीक है, खुद देखें, या ट्रेनर जिस दिन आपका ट्रेनर बिजी है, ठीक है, आपके सर पे नहीं खड़ा हो पा रहा, ठीक है, उसके पास क्लाइंट ज़्यादा आ गए हैं, एक ही टाइम में 5 आ गए हैं, ठीक है, आपके सर पे नहीं खड़ा हो पा रहा, तो आप उस दिन खुद भी कोशिश करें। ट्रेनर सिर्फ, वो मैंने एक पिछले दिनों में बड़ी अच्छी पोज पढ़ी थी, कहते हैं घोड़े को आप ज़बरदस्ती पानी के तालाब तक लेके जा सकते हो पर ज़बरदस्ती जो है आप उसे पानी नहीं पिला सकते। तो ट्रेनर का काम भी यही है, सिर्फ आपको मोटिवेट करना आपको, ठीक है, आपको ख्वाब दिखाना, आपको वो एक लिमिटेड सोच से बाहर आपको लेके जाना कि यार वो भी दुनिया है, ठीक है, तो करना आपने है। जाते जाते मैं एक और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, ध्यान से ट्रेनिंग करेंगे, आपके सेट भी कम हो जाएंगे, रैप तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, आप माइंड कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर आप तवज्जो से ट्रेनिंग करेंगे, माइंड कम्युनिकेशन होगी आपकी, आप इंटेंसिटी क्रिएट कर पाएंगे, आपके रैप कम होंगे, रैप कम होंगे तो आपके सेट कम होंगे, सेट कम होंगे तो आपका जिम में टाइम कम लगेगा, आप 20 से 25 मिनट में ट्रेनिंग ख़त्म कर पाएंगे। उसके साथ क्या है, आप ज़्यादा कैलरी सेव कर पाएंगे, आपकी सेविंग होगी, ठीक है, उस मसल के उस हिस्से को रिकवर भी जल्दी होगा आपका, ठीक है, फिर कम फूड के अंदर, कम खुराक के अंदर आप मसल जल्दी गेन कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोई और टॉपिक के साथ।
वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।